अब वादे और दावे से बात ऊपर निकल गई है। आज नतीजों का दिन है। हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी इस पर सबकी नजर है। और जम्मू कश्मीर जहां पर अनुच्छेद 370 हटने के बाद मतदान हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जी न्यूज ने आज बड़ी तैयारियां की है। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है और कुछ तो हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है और कुछ मेहमान हमारे साथ बाहर से भी जुड़ेंगे। चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स हैं। सबसे पहला रुझान, सबसे पहला नतीजा सिर्फ जी न्यूज पर। मैं जल्दी से आपका तारुफ करा देती हूँ। मेरे साथ जो मेहमानों का बड़ा पैनल है, मेरे साथ कमल हाक साहब मौजूद है, कश्मीर मामलों के जानकार है। मेरे साथ धर्मपाल धनकड़ साहब है, जितेंद्र बंसल साहब है, अमित रैना साहब है और शेख अलीमुद्दीन साहब है। आनंद, इसके अलावा दो और मेहमान हमारे साथ हैं। शरद जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और अकु श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो जम्मू कश्मीर से लेकर के हरियाणा में समीकरणें क्या रही हैं, आते हुए नतीजे किस तरफ इशारा कर रहे हैं, ये जानेंगे। इसी बीच हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस वक्त हुड्डा के घर पर है। रवि, क्या तस्वीरें वहां आप देख रहे हैं, क्योंकि सुबह की आती हुई तस्वीरें शाम का रुझान स्पष्ट कर देती हैं। अब बिल्कुल बिल्कुल, सुबह से ही यहाँ जो माहौल है, तमाम मीडिया के हमारे साथी यहाँ मौजूद हैं और हलचल देखिए तेज है। आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ से लेकर अंदर तक, व्यवस्था भी है, इंतजाम भी है, चाय हुक्का सबका इंतजाम कर दिया गया है। हालांकि कहा जा रहा है कि हुड्डा साहब अभी सो रहे हैं, हो सकता है आंख बंद करके सपने देख रहे होंगे कि सरकार में आना है और आना है तो किस स्थिति में आना है। लेकिन कहा जाता है कि हुड्डा साहब लगभग 7:30-8 बजे के आसपास उठते हैं, फिर पूजा पाठ, हालांकि वॉक करने की उनकी आदत है, लेकिन शायद आज वॉक करने जाएंगे या नहीं जाएंगे इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन पूजा पाठ जरूर करेंगे। पिछले चुनाव में भी 2019 में भी मैं यहाँ मौजूद था। हुड्डा निकलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। एक तरफा सरकार बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सेवा के लिए तैयार है, क्योंकि केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा की गति से विकास किया है, समस्याओं का समाधान किया है, ईमानदारी से हमारी सरकार ने किया है और आगे भी हम मजबूती से ईमानदारी से हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है। कहते हैं यही रात अंतिम, यही रात हमारी रात ठीक कटी, सब बढ़िया रहा। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जिनके लिए अंतिम, जिनके लिए भारी होगी उनके लिए होगी, हमारे लिए तो जैसे पहले था वैसे अब, हमें इस बात का नहीं है। हम कांग्रेस है, कांग्रेस सत्ता के लिए काम करती है, हम सेवा के लिए काम करते हैं, ये अंतर है इसके अंदर। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, ईमानदारी से काम करता है, उसको ना अंतिम रात दिखती है ना भारी दिखती है, उसके लिए तो सामान्य है, क्योंकि हमारी जो सोच है वो सोच है लोगों की सेवा करना और लोगों के हित में काम करना, ये हमारी सोच है। सब आपने इंटरनल रिपोर्ट्स ली हैं, इंटरनल रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, आपने सीआईडी से भी ली? मैंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार, एक तरफा सरकार बना रही है, लेकिन कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि वो दावा कर सकते हैं, कोई हम थोड़ी मना करें। मुख्यमंत्री की भी लड़ाई शुरू, देखिए हम कांग्रेस के अंदर ये मना नहीं कर सकते, अभी कई लोग और भी हैं जो दावे कर रहे हैं, किसी को मना थोड़ी करेंगे, ये आप कर देंगे मना कि आप नहीं बन रहे हैं, आप बोल नहीं सकते। दावा करना एक अलग बात है, हमने अपने काम के ऊपर, जो हमने ईमानदारी से काम किया है, हमने सेवा की है, हमने सत्ता नहीं चलाई है, हमने सेवा की है हरियाणा प्रदेश की, और उस सेवा के ऊपर अगर आप लोग देखेंगे पिछले 10 वर्षों मेरा हरियाणा बदला है, गति से बदला है, क्योंकि विपक्ष के लोग तो इस प्रकार का काला चश्मा लगा रखा है कि वो कहते हैं कोई काम ही नहीं हुआ। भाई अब सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं आपको दूं, हमारे सफीदों में अशोक तंवर जी जनसभा में थे ना जनसभा में, और उसके तुरंत बाद 45 मिनट के अंदर, 45 मिनट के अंदर वो पहुंच गए राहुल के पास, पहुंचे या नहीं पहुंचे, कि ये इतना गति से जाना आ रहा संसाधन देना, ये कह रहे काम नहीं हुआ। काम क्यों नहीं हुआ भाई, तो एक जनसभा में खड़ा था अर्थात उसके 20 मिनट के बाद दूसरी में चला गया राहुल को मिलने के लिए। कहीं ना कहीं एक मजाक भी चल रहा था कि उन्होंने राहुल गांधी को कहा कि 152D के जैसे, और फिर इनको काम नहीं दिख रहा, भी काम नहीं हुआ। कितना लोगों का जीवन हमने सरल सुगम किया है, रास्ते हमने गजब के किए हैं कि एक व्यक्ति 20 मिनट पहले दूसरी जनसभा में हो और 20 मिनट के बाद दूसरी जनसभा में राहुल को मिलने चला जाए, तो रास्तों का ही तो है। 56 दिन कम मिले आपको? नहीं देखिए, हमने पिछले 10 वर्षों में काम किया है, 56 दिन का सवाल नहीं है, हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर जबरदस्त काम किया है,
आदरणीय मनोहर लाल जी ने बहुत। तो नायब सैनी को आपने सुना, देखिए अभी भी अपने अपने दावे चल रहे हैं, लेकिन जब तक नतीजे नहीं आ जाते हैं तब तक तस्वीर साफ नहीं होगी। रवि त्रिपाठी का जल्दी से मैं रुख कर लेती हूँ। रवि, ये बताइए, भूपेंद्र हुड्डा के घर के बाहर लड्डू वड्डू की तैयारी है कि नहीं है? क्योंकि कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि सरकार वही बनाने जा रहे हैं और दावे भी कांग्रेस के नेता कुछ कुछ ऐसे ही कर रहे हैं। शोभना, ये जाट लैंड है, यहाँ लड्डू से पहले हुक्का का इंतजाम होता है। मैं दिखाना चाहूंगा, मैं कैमरामैन से कहूंगा शायद तस्वीरों दिखाएं। ये देखिए, सामने जो है हमारे रिपोर्टर साथी हैं, लेकिन उसके ठीक पीछे हुक्का का इंतजाम है और तमाम जो बुजुर्ग हैं यहाँ के हुक्का पानी लेकर अपना बैठ गए हैं। चाय की व्यवस्था है यहाँ पे और थोड़ी देर बाद जब नतीजे आने शुरू होंगे, क्योंकि आजकल लड्डू खिलाने से और लड्डू दिखाने से लोग परहेज करते हैं कि पता नहीं लड्डू किस सूरत में जाए, जलेबी मिलेगी नहीं मिलेगी इसकी गारंटी नहीं होती है। जिस पार्टी ने बहुत उत्साह में जल्दी दिखाया है, कई बार नतीजों ने उनको निरुत्साहित किया है, तो कहीं ना कहीं इस वजह से। लेकिन हुड्डा के घर में और हुड्डा साहब में बहुत उत्साह है। कल हमने जब हुड्डा साहब से पूछा कि क्या हुड्डा साहब आप नौजवान को मौका देंगे, तो उनका कहना था कि नहीं, मैं आपको क्या दिखता हूँ। और ये भी कहना कि न टायर हुआ हूँ न रिटायर हुआ हूँ। तो हुड्डा साहब, रवि आपका रुख करेंगे और मुझे लगता है आप जल्दी से अंजलि का भी अनंत रुख करना चाहिए। बिल्कुल अंजलि, जरा बताइए तस्वीरें आप क्या देख रही है, उसके बाद सीधा रुख करेंगे हम जम्मू कश्मीर का। अंजलि, देखिए इस समय मैं मौजूद हूँ कुमारी शैलजा के घर के बाहर, जहाँ पर फिलहाल टेंट वगैरह लगाकर तैयारियां जो है की जा रही हैं। दिल्ली के साउथ एवेन्यू का ये वो निवास है 67 नंबर, जहां पर कुमारी शैलजा मौजूद रहती है। अमूमन तमाम जो अपनी राजनीतिक गतिविधियां हैं, लोगों से मिलना मिलाना है, सब कुछ जो है यहीं पर वो बैठकर करती हैं। तो दो अहम चेहरे आप कह सकते हैं आज के दिन के, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दूसरा कुमारी शैलजा, क्योंकि लगातार अगर जिस तरह से कांग्रेस तैयारी करके चल रही है कि इस बार हरियाणा में उनकी वापसी होने वाली है, तो दो चेहरे सबसे अहम होते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा। और कुमारी शैलजा को लेकर देखिए, लगातार आला कमान जो है उनको मान मनवल करके अभी तक लेकर चलता आया है, दोनों ही बड़े नेताओं को जोड़कर चलता आया है। लेकिन आज अगर कांग्रेस के पक्ष में नतीजे आते हैं, और जैसा कि कांग्रेस उम्मीद लगाकर चल रही है, तो सबसे अहम ये हो जाएगा कि आखिर जो सत्ता की चाबी है वो किसके हाथ में आती है। अंजलि, मैं आऊंगी आपके पास और जल्दी से अब जम्मू कश्मीर का रुख कर लेते हैं, क्योंकि हरियाणा के साथ साथ जम्मू कश्मीर के नतीजे भी आने हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, अनुच्छेद 370 हटने के बाद क्या फैसला जम्मू कश्मीर की जनता देगी, इसका इंतजार। सीन